दोस्तों राहुल गांधी अगर लाइन में खड़े होकर के पैसे निकालें तो चोर, और मोदी जी की मां लाइन में खड़े होकर पैसे निकालें तो ईमानदार। केजरीवाल ने वीआईपी कल्चर समाप्त करने की बात की तो ड्रामा, मोदी जी ने लाल बत्ती हटवा दी तो देशभक्ति, कांग्रेस ने काले धन की सूची जारी नहीं की तो चोर, मोदी जी ने काले धन की सूची जारी नहीं की तो देशभक्त, अखिलेश राज्य में बलात्कार हुए तो गुंडा राज, और वहीं योगी राज में गैंगरेप हुए तो राम राज, केजरीवाल पर कपिल मिश्रा ने आरोप लगाया तो चोर, मोदी पर कपिल मिश्रा ने आरोप लगाया तो कपिल झूठा, कांग्रेस राज में तेल की कीमतें बढ़ी तो देश विरोधी, भाजपा राज में तेल की कीमतें बढ़ी तो देश हित, एक्सप्रेसवे पर किसानों को ज्यादा पैसा दिया तो भ्रष्टाचार, व्यापम घोटाला शिवराज सरकार में हुआ तो देशभक्ति, केजरीवाल ने कांग्रेस के साथ मिलकर के सरकार बनाई तो लालची, बीजेपी ने पाकिस्तानी समर्थक पीडीपी के साथ मिलकर के सरकार बनाई तो देशभक्ति, कांग्रेस के समय में जवान शहीद हुए कांग्रेसी हिजड़े, मोदी के समय में जवान शहीद हुए मोदी सेठ, सपा सरकार में यादव अधिक मंत्री बने तो जातिवाद, भाजपा सरकार में सवर्ण अधिक मंत्री बने तो राष्ट्रवादी, केजरीवाल ने ईवीएम पर आरोप लगाए झूठ, वहीं भाजपा ने ईवीएम पर आरोप लगाए तो सच, सपा के समय में मुजफ्फरनगर दंगे हुए हिंदू विरोधी, भाजपा के समय में दलितों के घर जला दिए हिंदूवादी, कांग्रेस पाकिस्तान के साथ वार्ता करे जाहिल, मोदी नवाज शरीफ की मां के पैर छुए शेर खान, कांग्रेस ने रोजगार नहीं दिए युवा विरोधी, भाजपा ने बचे हुए भी रोजगार छीन लिए युवा समर्थक, सुधीर चौधरी ने 2000 के नोट में चिप लगाने की बात कही सत्यवादी, और वहीं रवीश कुमार ने सच दिखा दिया तो देशद्रोही, तेज बहादुर सिंह ने खाने में भ्रष्टाचार की शिकायत की तो देशद्रोही, वहीं जनरल बीके सिंह ने बिना सरकार के आदेश की सेना मूव कराई देशभक्ति, संदीप सिंह आप में रहें तो चरित्रहीन, और वहीं भाजपा में आ जाएं तो हरिश्चंद्र, साहेब आप अपने भक्तों को बेवकूफ बना सकते हो, जिनके पास स्वयं का दिमाग नहीं है आप हमें बेवकूफ नहीं बना सकते हैं।